हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वैसे तो आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर ऑनलाइन किसी भी तरीके से रिचार्ज कर लेते होंगे, बट जब बात आती है फ़ोन पे वॉलेट से मोबाइल रिचार्ज करने की, तो काफ़ी सारे यूजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फ़ोन पे वॉलेट से मोबाइल नंबर कैसे रिचार्ज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़ोन पे वॉलेट से किसी भी मोबाइल नंबर को, चाहे आपके पास जियो हो, वोडा हो, आइडिया, एयरटेल, टाटा डोकोमो, जो भी हो यार, आप किसी भी मोबाइल नंबर को फोन पे वॉलेट से आसानी से रिचार्ज कर पाएंगे, और ना ही ओटीपी डालने की जरूरत पड़ेगी और ना ही यूपीआई पिन की जरूरत पड़ेगी। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि यह वीडियो आज नहीं तो कल आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फोन पे वॉलेट मनी से मोबाइल रिचार्ज करना हमारा एक मजबूरी बन जाता है, क्योंकि आपको भी पता होगा, अगर आपके फोन पे वॉलेट में कुछ पैसे शेष बच गए होंगे, या फिर आपको किसी ने फोन पे वॉलेट में ही पैसे क्रेडिट किया होगा, तो उस सिचुएशन में आप उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाते होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को उस फोन पे वॉलेट मनी को मोबाइल रिचार्ज करने के लिए या फिर किसी बिल को पे करने के लिए जरूरत पड़ता है, वहां पर वो काम में आता है। बट अगर आपको भी जानना है कि फोन पे वॉलेट मनी को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और पूरी सटीक जानकारी दूंगा, सटीक तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने फोन पे वॉलेट मनी को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। ओके, कमेंट जरूर करना यार। और हाँ, अभी इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना, ठीक है? तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल फोन में फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको अनलॉक करना है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक कर लेना है आपके फोन पे वॉलेट में कितना मनी शेष है। ओके, तो देखिए यहाँ पर फोन पे वॉलेट का ऑप्शन दिखेगा। वैसे पहले नीचे में दिखता था माय मनी का ऑप्शन, उस पर क्लिक करते थे तो फोन पे वॉलेट का ऑप्शन आता था, बट अब यहीं पर आपको होम पेज पर ही फोन पे वॉलेट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरे फोन पे वॉलेट में करंट बैलेंस है 851 रुपीज, यानी कि 851 रुपये हैं। और अगर मैं इस अमाउंट को चाहूँ किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो नहीं हो पाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पर एंटर अमाउंट कुछ भी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 140 कुछ भी करते हैं, और प्रोसीड टू टॉपअप पर क्लिक करते हैं ना, तो आप ऐसा मत समझना कि आपके बैंक अकाउंट में यहाँ से पैसे कट के चले जाएंगे। नहीं, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट के यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ओके, यानी कि आपके बैंक अकाउंट पैसे क्रेडिट नहीं होंगे फोन पे वॉलेट से, उल्टा हो जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसे होंगे, वो पैसा कट करके फोन पे वॉलेट में यहां पर ऐड हो जाएगा 148 रुपये। ठीक है, तो यहां पर आप कभी भी पैसा ऐड मत करना। ओके, उसके बाद बात आती है रिचार्ज करने की। मैंने पैसा चेक कर लिया है कि इतना रुपया फोन पे वॉलेट में है। अब रिचार्ज करने की बात आती है, तो रिचार्ज करने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, वही सिंपल प्रोसेस, आपको मोबाइल रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर आप रिचार्ज करना चाहते हैं, सिंपल आप उस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। या फिर यहाँ पर सर्च बाय नंबर और नेम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये बता देगा कि इस मोबाइल नंबर का जो सिम है वो किस कंपनी का है, वीआई है, वोडा आइडिया, प्रीपेड है, बिहार झारखंड सर्कल चूज कर लिया गया। अब यहाँ पर देखिए आपको नीचे में प्लान दिखा दिया जाएगा कि कौन सा प्लान का आप रिचार्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली उस प्लान पर क्लिक कर देना। जैसे कि 155 का है, एक्स्ट्रा वैलिडिटी एंड डाटा ऑफर्स जस्ट फॉर यू, गेट 2 GB डाटा प्लस अनलिमिटेड कॉल्स प्लस 300 SMS, और वैलिडिटी है 28 डेज का। तो आप सिंपल क्या करना है, सबसे कम में यही आपको मिलेगा अनलिमिटेड। ओके, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये प्लान सेलेक्ट हो चुका है। अगर आपको बाद में, यानी कि अभी, अगर आपको चेंज करना है प्लान, तो आप प्लान पर, चेंज प्लान पर क्लिक कीजिए और फिर से उसी पेज पर आ जाइएगा और अपना प्लान चेंज कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अनलिमिटेड यही रखना चाहता हूँ 155 का, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और पूरा डिटेल्स यहाँ पर आप रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको ना तो यूपीआई पिन डालने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई ओटीपी डालना पड़ेगा। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए प्रोसीड टू पे पर आपको नीचे में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ चुके हैं, एक तो फोन पे वॉलेट का ऑप्शन है, ठीक है, और दूसरा आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस अकाउंट में आपका खाता है वो दिख जाएगा। ठीक है, और नीचे में और भी काफी सारे ऑप्शंस, ऐड यूपीआई अकाउंट, ऐड डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूज अनदर, जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं आप रिचार्ज कर पाएंगे। बट अभी आपको फोन पे वॉलेट से करना है, तो आप फोन पे वॉलेट सेलेक्ट रहने देना, अदरवाइज आप इसको अनटिक भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक
ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फोन पे प्रोसेसिंग फी लेता है अगर आप रिचार्ज वगैरह कुछ भी करते हो तो। जैसे कि 155 का मैंने यहाँ पर रिचार्ज किया तो यहाँ पर 157 हमको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म फी है +2 रुपया। ओके, तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, पे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे तो देखिए ये पेड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। कोई भी OTP डालना नहीं पड़ा, कोई भी UPI पिन डालना नहीं पड़ा और मैसेज मुझे आ चुका है। ठीक है, इसको रिमाइंड लेटर कर देता हूँ, योर पेमेंट ऑफ 157 वाज सक्सेसफुल, ओके, प्लान बेनिफिट्स हैव बीन अप्लाइड टू नंबर इतना। तो इस तरीके से आप अपने फोन पे वॉलेट मनी से कोई भी मोबाइल नंबर रिचार्ज आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, देखिए मेरे फोन पे वॉलेट में जो मनी बचे हुए हैं वो 694 रुपीज है। ओके, तो इस तरीके से आप अपने फोन पे वॉलेट मनी से कोई भी मोबाइल नंबर रिचार्ज कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सएप पर कमेंट छोड़ सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो आज बस इतना ही। आई होप फ्रेंड्स आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लस नॉलेजेबल हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।